प्रेमिका दे वल्लों अपने पति दे नाल मिलके प्रेमी दा कतल करन दा मामला सामने आया। जानकारी मुताबिक कहा जा रहा है कि जो प्रेमी है वह अक्सर अपनी प्रेमिका नू मिलन दे लई उसके घर आया करदा सी ते बीते दिनां भी जदों ओह आया तां उसका अपनी प्रेमिका दे नाल किसी गल नू लैके झगड़ा हो जांदा ते झगड़ा इस कदर वध जांदा कि पहला तां धक्का मुक्की हुंदी है, जिस तों बाद कहा जा रहा है कि प्रेमी जमीन ते डिग पैंदा है ते उसकी कहा जा रहा है कि मौके ते ही मौत हो गई। जबकि जो प्रेमिका का पति है वह दिमागी तौर पर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है ते जो प्रेमिका है कतल होने तो बाद उतों मौके तो फरार हो गई, जबकि अपने पति नू प्रेमी की लाश दे कोल ही छड़ गई। फिलहाल मौके के उत्ते पुलिस पहुंची है ते मामले की जांच की जा रही है। तो दस दिए कि मामला करनाल तो सामने आया, जिथे कि एक प्रेमिका ने अपने पति दे नाल मिलके पहला तो प्रेमी का कतल किया ते उस तो बाद दे विच प्रेमिका इन्नी शातर सी कि उसने प्रेमी की लाश के कोल ही पति नू छड़ दिता अते मौके तो फरार हो गई। जबकि उसके पति का कहना है कि दोवां दे विचकार पहला झगड़ा हुंदा है, झगड़ा होने तो बाद जो प्रेमी सी वह जमीन पर डिग पैंदा है, जमीन पर डिगण के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। दूजे पासे हुण पुलिस भी पहुंची है ते पुलिस दे वल्लों भी मामले की जांच की जा रही है। तो करनाल तो यह वारदात सामने आई है। राड लेके मेरे वाइफ और मेरे को हाथ उठाने लग गया, फिर डर गया, वो होपलेस होके पता नहीं क्या क्या करने, फिर गिर गया नीचे, वो अब दरवाजे में लग गया, वो डर गया, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। तूने डंडा मारा उसका? ना, मैंने तो गुरुद्वार में लग के गिर गया। तो आपको मार रहा था वो? मेरे को हाथ, मेरे सिर में डंडे मारे जी। चोट लग रही आपका? हाँ, मेरे देखो सिर में डंडे मारे। तो आपकी पत्नी कहाँ गई? वो बाहर गई है। तो अंदर से ताला लगाकर बाहर कुर्सियां रख के क्यों भाग गई? डर गई थी वो? पता नहीं, वो चली गई बाहर। कुर्सियां उसी ने रखी है बाहर? पहली बार नहीं, कुर्सियां उसी ने रखी है बाहर? ना, कुर्सियां नहीं, मैं उसने रखी। तो ताला अंदर से कैसे बंद है? वो कहाँ से निकली है? पहली बार दस डंडे मारने लग गया। नहीं, वो जो आपकी पत्नी है उसकी दोस्ती थी इसके साथ, क्रिश्चियन के साथ? हाँ, पहले थी कभी। क्या साल से लड़ कर रहा है? ओ, मैं तो कभी गया नहीं, वे मेरी घरवाली रहती थी इसके साथ। क्या साल हो? अभी आना जाना था क्रिश्चियन का? अभी है उसका आना जाना, अभी नहीं है। तो आते क्रिश्चियन ने क्या कहा आपकी पत्नी को? उसने कुछ भी नहीं कहा। तो आपकी पत्नी यहाँ से क्यों भाग गई? फिर पता नहीं कहाँ गई, वो मेरे को बता के नहीं। ना, नीचे गिर गया, वो डर गया। इतना खून कैसे निकला? मेरे को पहले मेरे डंडे मारे उसने। आप लोगों ने भी बचाव में मारे उसको? ना, हमने तो दोनों ने मसा पैंडा छुटवाया, वो बार बार छेड़ने लग गया। किसको छेड़ रहा था? हमारे दोनों को छेड़ने लग। तो क्या किया फिर आपकी पत्नी ने? वो हमने मसा पैंडा हमारे को अंदर कमरे में बंद कर देता था वो, और मारता था। वो कैसे मर गया? हाँ जी, वो कैसे मर गया? नहीं, चोट कैसे लग गई? वो गिर गया द्वार में लग के, डर के गिर गया नीचे द्वार में। तो आप देख सकते हैं थोड़ा ये कहीं ना कहीं यहाँ, पहले तो हम इग्नोर करते रहे जी इसकी बात को, हमने सच्ची नहीं माननी। फिर काफी देर कहीं फिर फोन करे उस ना, काफी 8-10 फोन करने के बाद माँ फिर हम करीबन 3:15 बजे आए, 12 बजे के फोन कर दी रही हो, 3:15 बजे यहाँ से आए तो यहाँ अंदर गेट लगा हुआ था। हमने आवाज मारी जी अंदर से, किसी बोलिया आदमी, एक व्यक्ति बोलिया, पर उसने दरवाजा नहीं खोलिया जी, गेट ताला लग रहा था अंदर से। हम अंदर बढ़ के ताला तोड़ा, सरपंच भी मौजूद था संगो गाँव का पूरा, तो उसने कहा, बोलने लगे भाई ताला तोड़ दो। ताला तोड़ के जैसे ही अंदर गए तो अंदर देख के, तो क्या लगता है कोई हादसा हुआ है? नहीं, मारे हुआ जी, मारे हुआ। किसने मारा है? जो लेडीज है जी वही बताएगी, वही मौके पे थी, या जो व्यक्ति रहता है तीसरा व्यक्ति है। उसका कोई विवाद भी चल रहा था उससे? किरसन और ये जो सरदारों का लड़का है और एक लेडीज है, इनसे ही पूरी सच्चाई। बाहर कुर्सियां भी पड़ी है? हाँ जी, कुर्सियों के ऊपर से भाग दिए देखे जी, गांव के लोगों ने। गांव के लोगों तो लगता है उसका हाथ हो सकता है इस मामले में? वही लगा के बात वही बताएगी, यही बताएंगे जी। निकली है ना यहाँ से, हमें नहीं पता किस टाइम निकल गई है, लेकिन जिस टाइम ये लोग आए हैं ना शाहपुर वाले, इन्होंने बोला कि हमारा बंदा मार दिया है, अंदर बंदा हमारा मरा पड़ा है। मैंने कहा यहाँ तो दरवाजा अंदर से बंद है, वो ऊपर से, मैंने कहा वो डरते हुए अंदर नहीं आते थे। मैं कहा तुम छाल मारो, कोई बात नहीं, तोड़ो दरवाजा, हम देखते हैं। अंदर तोड़ा, उन्होंने देखा तो ये मृत पाया गया। दरवाजा बंद था अंदर से? ये अंदर ताला लगा हुआ था सर, अंदर ताला लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था। ये जो पागल है ये तो बैठा था आराम से, तो वो पता नहीं कहाँ फरार। अब ये खुद कह रहे हैं
जो जो शाहपुर वाले हैं इसके साथ ही 5-10 साल से रह रही थी वो, उसके बाद इसके साथ पागल के साथ शादी हुई इसकी, वो पता नहीं इसने करवाई है किसने करवाई। तो अब लगता है कि इसने करवाई वही महिला मार कर गई है। हाँ। हो सकता, हाँ सर नहीं, हो सकता नहीं है ये, उसने नहीं मारा सर, इनका कोई डिस्प्यूट हो गया होगा किसी बात को लेकर। पैसे का लेन देन है कोई नहीं सर, 40-45 लाख रुपए तो बेचारा जो मर गया उसका खा गई है। तो वो शादीशुदा है पहले? पहले शादीशुदा होगी, हमने नहीं पता इस चीज का। क्रिश्चियन शादीशुदा है? वो शादीशुदा है। उसका था अकबर, ऐसे ऐसे संग हुआ गाँव में, एक लेडीज ने एक लड़के का मर्डर कर दिया है, सूचना पर हम यहाँ आए तो इसका मर्डर मिला है। अब मैं स्पेशल टीम बुला रहे हैं, सभी सबूत जुटा रहे हैं, जो भी कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया बनेगी। सबूतों को मिटाने की कोशिश भी की हुई है? फर्श वगैरह धोया गया है? फर्श धोया हुआ है और बाहर कुर्सियां लगी हुई है, बता रहे हैं महिला तो गायब होगी, भाग गई यहाँ से? नहीं, महिला के बारे में अभी कोई पता नहीं चला है। तो जो मरा है वो इस महिला के साथ उसके परिवार के लोग कह रहे हैं अवैध रिश्ते थे, पति भी बता रहे हैं? पता नहीं है, पता लगेगा अगर तफ्तीश काम है। ये आया इनके मकान पे, आए यहाँ, कोई ना कोई बात हुई इनकी आपस में। तो ये दिमागी रूप से थोड़ा अस्वस्थ है इसका पति? नहीं, ये देखो अभी बात कर रहे हैं इसी तो कार्रवाई की जाएगी। जो भी कार्रवाई करेंगे। सिर पर वार किया गया है? सिर पर वार कर रहे हैं, क्या के ऊपर दाहिनी तरफ?